जमशेदपुर के परसोटी के ग्रामीण इलाकों में बांस की बल्ली पर बिजली के तार लटके हुए हैं, जिससे बारिश के इस मौसम में हादसे की आशंका बढ़ गई है। हालांकि कार्यपालक अभियंता ने 10 दिनों के अंदर पोल और तार लगाने का भरोसा दिलाया है। परसोटी में हादसे को बनी में विभाग ने बिजली का कनेक्शन तो दिया है, लेकिन ना पोल लगाए हैं और ना ही तार। ऐसे में जान जोखिम में डालकर इलाके के लोग रहने को मजबूर हैं। पोल का प्रॉब्लम है और तार सब लटका हुआ है। बारिश आंधी तूफान चलने से तार सारा नीचे गिर जाता है और यहाँ पे बहुत सारे मवेशी भी है, बच्चे लोग आना जाना करते हैं, तो करंट का चपेट में आ सकते हैं। सर में लगता है, कहीं लाइन रहता है वो कटा सटा रहता है, किसी को करंट आ जाएगा आंधी तूफान के समय, पूरा जो झुल जाता है, गिर जाता है। हम ही लोग ठीक करते हैं, बांसों का देख रहे हैं, बांसों लोग गाड़ गुड़ के हम ही लोग ठीक करते हैं। लाइन कट जाता है पूरा क्षेत्र। हाँ, बारिश होने से तार गिर। तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए इस संबंध में? मुखिया को बोले हैं, वार्ड नंबर को बोले हैं, आता है खाली आश्वासन देता है कि हो जाए। क्षेत्र के इलाके के लोग हर महीने बिजली का बिल जमा करते हैं, लेकिन बिजली के कनेक्शन के लिए ग्रामीणों ने खुद से तारे लगाई हैं। कई जगहों पर तार में जॉइंट है, ऐसे में बारिश के इस मौसम में हादसे की आशंका बढ़ गई है। हालांकि कार्यपालक अभियंता ने भरोसा दिलाया है कि 10 दिनों के भीतर बिजली के पोल के साथ तार भी लगा दिए जाएंगे। सभी जगहों को हम लोग चिन्हित करके और उसका हम लोग प्राकलन तैयार कर लिए हैं और अगले 10 दिन के भीतर हम लोग सारा पोल में उसको लगा के और तार को ये सीधा कर दिया जाएगा, जिससे कि बरसात में किसी तरह की कोई समस्या न हो। बिजली विभाग ने 10 दिनों के भीतर पोल और तार लगाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण सेठी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।